वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी सुबह का बज रहा है 8, तबीयत ख़राब है इसलिए लेट उसको सुला के उठे हैं। और अभी सुबह में किचन में है तो मम्मी पुआ का लोड हो रही है। तो आज है होली, तो आप लोग को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी होली। मेरे जितने भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे होली को और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे अच्छे चीज़ नए नए कपड़े पहनेंगे, बनाएंगे, खाएंगे। सब लोग इन्जॉय कीजिए, आज इन्जॉय का दिन है। सो बाबू को भी पापा बाबू के मेडिसिन वगैरह दे दिए हैं, जैसा कि पैरासीटामोल पड़ता है बच्चे को ड्रॉप से, तो वही दे दिए हैं। तो अभी सोया हुआ है और मैं भी जस्ट जब तक सोया हुआ है तब तक खाना पीना बना लेती हूँ। लेकिन इस बार मैं रंग वाली होली नहीं खेलूँगी क्योंकि बाबू मैं हाँ अगर मैं बीमार पड़ी तो बाबू को भी मेरा फिटिंग करता है वो उसको भी असर करेगा, इसलिए मैं अबीर वाली खेलूँगी क्योंकि बच्चा बहुत बीमार है। तो बच्चे हैं तो सब कुछ है, तो इस वजह से। और फिलहाल मैं सोचा चलो ब्लॉग यहाँ मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ, सुबह उठ के मैं जस्ट चाय पी और उसके बाद ब्लॉग्स यहीं से स्टार्ट कर दी हूँ। तो चलिए आज का ससुराल ब्लॉग्स होली मेरा इस बार का शादी के बाद, मैं तो 5-6 साल बाद मेरा ये सेकंड होली है यानी सेकंड या थर्ड होगा। बहुत कम ही यहाँ पे होली में रहते हो, अधिकतर मैं दिल्ली रहती हूँ तो वहाँ तो अलग तरीके से डीजे डांस के साथ होली पूरा एकदम इन्जॉयमेंट के साथ होता है। यहाँ पे भी लोग मेरी ननद साइकिल और डीजे वगैरह लगाती हैं। सो उसी तरीके से बॉक्स घर में जो रखी है साउंड बॉक्स उससे हम लोग इन्जॉय करते हैं। बट इस बार मैं सोची बच्चा बीमार है, देखते हैं आगे क्या होता है, वो सारे आपको देखने के लिए ब्लॉग्स मिले तब तक ब्लॉग्स में बने रहिए। चलिए खाना बना लेते हैं क्योंकि खाना पकवान में भी बहुत सारा चीज़ बनेगा। सुबह तो हम आ गए थे किचन से थोड़ा बहुत काम करके सब्जी वगैरह बना के बाबू को यहाँ पे रेडी करने के लिए, तो फटाफट बाबू को रेडी कर दिए। उसके बाद फिर क्योंकि होली था तो कोई ना कोई बाबू को रंग लगा ही देता, तो मैं ये मामा का लाया हुआ, इसके मामा दिए थे ये टी शर्ट होली टाइप का, रंगोली टाइप का बना हुआ, तो उसी में मैं बाबू को कर दी हूँ यहाँ पर रेडी। उसके बाद फिर मैं खाना वाना खाऊँगी। मामा रेडी कर दी होली के लिए। हाँ मेरा बेटा होली अभी खेलेगा पापा के साथ। पापा बोल रहे थे कि हम बेटा को पूरा रंग लगाएंगे। हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरा बच्चा को बीमार पड़ गया, सब ठीक हो जाएगा सब। बोल रहे देखो ना पापा को पसंद आएगा, तुमको कलरफुल का टी शर्ट पहना दिए हैं मामा का लाया हुआ। तुम्हारे लिए मामा लेकर आए थे बेटा ये ड्रेस, तुम्हारे मामा लेकर आए थे। थैंक यू बोलना मामा को, मामा को थैंक यू बोलना। मेरा बेटा रेडी हो गया, देखे देखे मेरा बेटा, हम बेटा और मम्मा व्हाइट व्हाइट ड्रेस में रेडी। जय हरे गंगे। पापा का दूध दे देते हैं, एको पापा का दूध। कचौड़िया एक दो छान देते, रोटी पापा में डाल देते हैं ना। सो गाइस, तो यहाँ बाबू को रेडी करके जस्ट खाना पीना भी बन गया था। मम्मी चान यहाँ पुआ, मम्मी बोली कि मैं अच्छे से पुआ छान देती हूँ और कचौड़ी सब्जी खीर मैं बना ली थी। तो गर्मा गर्म होली का सुबह का, आज ना होली ही ऐसा पर्व है जिसमें बिना पूजा पाठ किए आप बिना नहाए आराम से आप खा सकते हो। तो मम्मी बोली मैं यहाँ पे गर्मा गर्म छान रही हूँ, तुम लोग सब लोग बच्चे लोग खा लो, उसके बाद फिर बाकी सब काम होते रहेगा। तो यहाँ पे हम पति देव जैसा कि रात में आ गए थे और आप देख सकते हैं बच्चा भी इंजॉय कर रहा है, बच्चा को भी कर दिए रेडी और हम लोग साथ में दोनों को खाना खा लेंगे। तो ब्लॉग्स में बने रहिए और किस किस के घर में आज मालपुआ बना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और खेलने के लिए अबीर होली, हैप्पी होली। और ये हम लोग होली के लिए अब जा रहे खेलने, देख लीजिए कितने अबीर और ये खाने का, अब डांस होगा, करिश्मा खेलने से ज्यादा खाएंगे। किसको किसको धूप झेलना है वो रंग खेलेगा, नहीं अधिक इतना कलर धूप हो गया ना कि हम लोग लेट कर दिए खाना बनाने और खाने में, बहुत ज्यादा खाना बनाना, बहुत कुछ बना थोड़ा सा भैया के लिए पीला कलर का, येलो कलर, येलो कलर हल्का। फोटो वीडियो रुका।
गाइस तो यहाँ पे हम लोग की चल रही है अबीर और कलर वाली होली। होली जैसा कि हम लोग सूखा वाला होली खेल रहे हैं, फिर भी लास्ट में थोड़ा बहुत तो पानी पानी हो ही जाता है। ये सब ननद है और मेरी प्यारी प्यारी हमारी सबतिया के बारी कलर वाली होली हो गई है। अभी नहा धोवा के आ गए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कलरफुल वाली होली थोड़ा बहुत रह भी गया है फेस पे। हल्का फुल्का बाबा कर रहे हैं यहाँ पे रेडी। बाबा का हैप्पी होली, हैप्पी होली कर दो बेटा, हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटा। सो गाइस तो यहाँ पे हम बाबू को कर दिए रेडी, उसके बाद फटाफट हम हो जा रहे रेडी रंग कलर वाली होली खेलने के वाली अबीर वाली होली। शाम को सबको आते हैं गांव से, मोहल्ले से, आसपास से गांव में,
अबीर लगाने के लिए, घर में जो भी भाभी चाची होती हैं उनके साथ खेलने के लिए बाहर से। तो यहाँ पे हम फटाफट रेडी हो रहे थे, मैं सोची चलो ब्लॉग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सीरम लगाई हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ लक्मे का, उसके बाद फिर लगाऊंगी फाउंडेशन कंसीलर। मैं कैसे रेडी होती हूँ ससुराल में, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो मैं सोची चलो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने आईज को कंसील कर ली हूँ। और क्या होता है ना, होली ऐसा त्यौहार जिसमें खाओ पियो और इंजॉय करो। इस बार मेरे ससुराल का होली मतलब यकीन माने इतना ज़्यादा इंजॉय किए, फुली इंजॉय की, और मेरे को नहीं लगा कि मैं शहर के सुख सुविधा को छोड़ के और गांव में हूँ और ससुराल में मस्ती नहीं कर पाऊँगी या डीजे पर डांस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बिल्कुल कमी ऐसा फील नहीं हुआ। और मैं जहाँ भी रहती हूँ ऐसा माहौल बना के रखती हूँ कि सब कुछ एक मतलब अच्छा लगता है, सबके साथ घुल मिल जाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो चलिए मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ तो आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरे हम जो आज साड़ी पहनेंगे होली में, वो मेरी मम्मी मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी में दी थी सबको पहनने की। हम रेडी हो गए हैं तो साड़ी में आज पहनेंगे। और ये कुछ लाल हुआ ना, एक बैग से दो दो शादी हो गया तो उतना मम्मी को रेडी करेंगे हम सब दोनों मिलके। तो मेरी मम्मी दी थी साड़ी, तुम भी बोलो फटाफट जो मेरे पास। मेरा तबीयत खराब हो गया, कैसा लुक लगेगा आप लोग फाइनल वीडियो बनी रहेगी। तब मैं यहाँ पे मेकअप कर लेती हूँ। वाह बहुत सुंदर लग रहा है गुच्ची, तुम क्या कर रहा है, फोन देख रहा है गुच्ची? दीजिए आप लोग होली मिलन स्टार्ट। एक एक टीका करिए, रुकिए चाची रुकिए, अभी रुकिए ना, आप मेरे साथ तो होली खेले ही हैं अभी। एक मिनट मोटाए फसलाएंगे तुम जल्दी, चल एक लाइट आते आप लगा लेते बैक करिए। अब आइए सब बारी बारी से हम लोग ले लिया ही। अरे रिमी पकड़ो, हम भी याद आते हैं। इधर देखो पिड़िया, रिमी चांद पकड़ो, हम भी आएंगे भी। अभी फोटो खिंचाएंगे सब। हैप्पी होली सो गाइस। तो यहाँ पे पूरे फैमिली हम लोग सामने तैयार होके, आसपास के जितने भी लेडीज थे मतलब ननद थी देवर थे, सब लोग आए अबीर लगाने के लिए। ये सामने ऐसे होते कि गांव मोहल्ले के अबीर लगा के और बड़े से आशीर्वाद छोटे से प्यार लेते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा बहुत दिन बाद ससुराल में इस तरीके से होली सेलिब्रेट करते हुए। सुबह से शाम तीन दिन तक पता ही नहीं चला कैसे निकल गया और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। और यहाँ पे मम्मी पापा होली है।
मिर्ची वो लगाना कैसे था भौजी के सिस्टर ही सोने चांदी अजी जा के मन भइल पानी पानी बोला है ये उनकी बेटी ना आइए आप लोग भी खाइए और होली को एंजॉय कीजिए। हम लोग इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं शाम में सारे नए लोग के साथ, आस पास जितने भी आंटी भाभी मौसी चाची साथ सब के साथ होली खेले लगाए, रंग लगाए, अभी लगाए, आशीर्वाद दिए। शाम में होली आपकी नाश्ता, आई होप कि ससुराल ब्लॉग आपको पसंद आया होगा एंड एंजॉय कर रहे हैं। अभी बाबू कर रहे हैं यहाँ पे तो हम भी नहीं आ रहे। देखिए हम लोग हम देंगे आराम से खाएंगे तब आप में मिलते हैं आपको। तो प्यारे प्यारे बनाए आप लोग वहाँ जाकर 1995 फॉलो करिए, वहाँ देखिए बहुत ही होली का प्यारा सा नृत्य है ना बाबू। यहाँ पे चल रही है एनिवर्सरी, आज है चाचा चाची का उसका पार्टी में। गाइस तो वीडियो क्लोज करते करते यहाँ पे एक बैग से करिश्मा बुलाने आ गई थी मेरी छोटी वल्लनाथ की भाभी। चलिए मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है आज, होली के दिन ही पड़ गया था तो मैं सोची चलो थोड़ा सा ब्लॉग्स कर लूँ आप लोगों के साथ कि किस तरह से हम लोग होली जाते जाते इंजॉय कर रहे और मस्ती कर रहे और यहाँ पे सास ससुर की कैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट। तो जाते जाते हम अपना ससुराल का एक छोटी सा ससुर का झलक दिखला दी और किस तरह से हम लोग मिल बांट के एक ससुराल में रहते हैं और इंजॉयमेंट करते हुए एक झलक आप लोग देख लिए होंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हुआ तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।